सिर्फ 9 साल की उम्र में रणबीर से मिली थी आलिया। मिसेस कपूर ने सुनाया अपने चाइल्डहुड क्रश से पहली मुलाकात का वो किस्सा। देखते ही दिल में बजी थी इश्क वाली घंटियां। तब 20 के थे मिस्टर कपूर तो सिर्फ 9 साल की थी आलिया। जी हाँ, 4, 5 या फिर 10 साल नहीं, बल्कि रणबीर के लिए आलिया की ये दीवानगी पूरे 21 साल पुरानी है। आलिया भट्ट अब मिसेस कपूर बन चुकी हैं और लिटिल प्रिंस ज़राहा की मम्मी भी। हालांकि आज तक आलिया उस दिन को नहीं भूली है जब वो पहली बार अपने आरके से मिली थी और उनके सपनों को एक अलग ही दिशा मिल गई थी। हाल ही में आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर से पहली मुलाकात का किस्सा सुनाया है, जब पहली नज़र में ही आरके के चार्मिंग लुक्स पर आलिया फिदा हो गई थी और उन्हें अपना चाइल्डहुड क्रश मान बैठी थी। दरअसल हाल ही में आलिया भट्ट सऊदी अरब में रेड सी फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनी थी। इसी दौरान आलिया ने खुलासा किया कि वो रणबीर कपूर से एक फिल्म के ऑडिशन के दौरान मिली थी, जब आलिया भट्ट एक फिल्म के लिए चाइल्ड एक्टर का ऑडिशन देने गई थी। वो फिल्म थी ब्लैक। दरअसल जब संजय लीला भंसाली फिल्म ब्लैक बना रहे थे, तब उस फिल्म के लिए आलिया चाइल्ड एक्टर का ऑडिशन देने गई थी। आलिया तब अपनी मम्मी सोनी राजदान के साथ गई थी। उस वक्त वहां रणबीर कपूर भी मौजूद थे। हालांकि रणबीर तब फिल्म में एक्टिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि वो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भंसाली के साथ जुड़े हुए थे। रणबीर से अपनी फर्स्ट मीटिंग को याद करते हुए आलिया ने कहा कि दरअसल एक बार जब मैं 9 साल की थी तो संजय लीला भंसाली की वजह से मेरी माँ मुझे बाल कलाकार बनाने को तैयार थी, क्योंकि वो एक फिल्म बना रहे थे और मैं माँ के साथ उनके ऑफिस गई थी। उस समय संजय लीला भंसाली की सहायता कौन कर रहा था? रणबीर। आलिया ने बताया कि तब तक रणबीर एक्टर नहीं बने थे, इसलिए उन्होंने उन्हें तब तक देखा भी नहीं था, लेकिन उन्हें देखकर वो काफी इम्प्रेस जरूर हो गई थी। इसके साथ ही आलिया ने खुलासा किया कि उनके पास आज भी रणबीर के साथ वो पहली तस्वीर मौजूद है, जब वो ब्लैक के सेट पर उनसे पहली बार मिली थी। आलिया पहले भी कई बार अपने इंटरव्यूज में ये खुलासा कर चुकी हैं कि वो बचपन में ही रणबीर को दिल दे बैठी थी। रणबीर हमेशा से आलिया के चाइल्डहुड क्रश रहे थे। इतना ही नहीं, साल 2013 में जब आलिया कॉफी विद करण शो में आई थी, उस दौरान भी आलिया ने रणबीर के लिए अपनी दीवानगी जाहिर की थी। आलिया ने ये भी कह दिया था कि वो रणबीर से शादी करना चाहती हैं। कमाल की बात तो ये थी कि उस वक्त रणबीर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को डेट कर रहे थे, जो कि आलिया की जिम फ्रेंड भी हुआ करती थी। बाद में रणबीर और कैटरीना का ब्रेकअप हो गया था। कहा जाता है कि इस ब्रेकअप की एक वजह आलिया भट्ट भी थी। आलिया और रणबीर की लव स्टोरी की शुरुआत फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ता चला गया। वहीं साल 2021 में दोनों ने प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली थी। आलिया शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, तो नवंबर में उनके घर में बेटी राहा ने जन्म लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।